दिल्ली के जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक के पास एक शख्स की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में सरेआम 45 साल के रामविलास की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप इलाके में रहने वाले विशेष समुदाय के कुछ लोगों पर लगाया जा रहा है। दरअसल पहले इसी जगह पर दो संविदा फिलहाल आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जहांगीरपुरी इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। बताया जा रहा है कि 45 साल का राम विलास जो कि इलाके में प्याज की रेहड़ी लगाता था, इसी रेहड़ी को साइड करने को लेकर राम विलास और कुछ विशेष समुदाय के लोगों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। आनन फानन में कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा घर वाला इस साइड में उठा रहा था, रिक्शा वाले का बंगाली था, वो इधर पुलिस के गाड़ी था, बोला भैया तुम साइड कर लो नहीं तो हमारा पर्चे पुलिस हो जाएगा। बस हमारा घर वाला के आंख उठा के मारने लग गया। पूरा मंडी में सब तक कोई नहीं बचा हमारा घर वाला के। मैं डंटे डंटे मार के डंटा भी लेके आई हूँ यहाँ गुरुद्वारा तक आई हूँ। घर वाला के छोटा लड़का लेके आकर हॉस्पिटल आया, मैं बैठ के लेके आई हूँ। अभी हालात क्या है उनका? अच्छा, क्या नाम है उनका? राम विलास। उम्र क्या रहे? उम्र 46 साल है। 46 साल है। कहाँ रहते हैं आप लोग? छिड़ी पारे जहांगीरपुरी। चलिए खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए एक फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर दिल्ली से मिल रही है। एक युवक जो अपना काम करता है और एक मामूली से विवाद को लेकर जो है युवक की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्या प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के इलाके की घटना है। देर रात की ये घटना है जब एक जो प्याज की रेडी लगाता है जो मजदूर है उसकी हत्या पीट पीट के कर देते हैं। अगर बात की जाए विशेष समुदाय की तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी एक किसी बात को लेकर विशेष समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें एक पत्थरबाजी भी थोड़ी बहुत सुनने में आई हुई थी। उसके बाद ये जो राम विलास है ये प्याज की रेडी को साइड में करने को लेकर कुछ कहा सुनी हुई और इसी बीच इसको मेन चौराहे के ऊपर ही सरेआम जो है पीट पीट कर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो चेहरा है वो साफ दिखता है कि दिल्ली पुलिस का जो खौफ है वो शहर के अंदर से खत्म होता जा रहा है, दिल्ली के अंदर से खत्म होता जा रहा है। अगर बात जहांगीरपुरी इलाके की जाए तो लगातार जहांगीरपुरी इलाके का जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का इलाका है वहां पर 1.5 साल पहले भी एक विशेष समुदाय के साथ जो पथराव वगैरह हुआ था, सारक सबने देखा था कि हनुमान जयंती के ऊपर जो पथराव वगैरह हुआ था, हिंदू मुस्लिम हुआ था, तो उसी के चलते भी यहाँ पर जो है सेंसिटिव एरिया है। मगर दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। जी ठीक है। नीरज, आरोपी कौन लोग हैं और आरोपियों पर क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस द्वारा की गई है? क्या वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी हमारी डीसीपी जो नॉर्थ वेस्ट डीसीपी है उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अभी हम आरोपियों को पकड़ने का अभी आरोपी जो है आरोप मतलब गिरफ्त से बाहर है, उनको सीसीटीवी जो एरिया की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है कि कौन कौन आरोपी थे। तो अभी दिल्ली पुलिस जो है लगातार इस पर जांच कर रही है और अभी आरोपी जो है गिरफ्त से बाहर है। जी शुक्रिया नीरज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक युवक जो अपने काम करता है बाजार में डेली जाकर, उसको एक मामूली विवाद पर, महज एक रेहड़ी को साइड करने के विवाद पर कई लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी।